हरियाणा के किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए मनोहर सरकार प्रयासरत है। पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में एक लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब सरकारी सहयोग और आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को समय में आसानी से पूरा कर सकता है। ऐसे ही किसान हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किसान राकेश कुमार, जो एक एकड़ में स्ट्रॉबेरी की प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। किसान राकेश बताते हैं कि वह प्राकृतिक खेती ही करते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट खाद ही डाली जाती है। किसान राकेश कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती को शुरू करने में उन्हें 3 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन अब उन्हें इससे अच्छा मुनाफा मिलता है। किसान राकेश ने बताया कि स्ट्रॉबेरी का फ्रूट खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। ये बाजार में 200 रुपए से लेकर 400 रुपए किलो तक बिकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी राकेश, और धनौंदा से जैसे मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने एक एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाई, मैंने इसमें दो वैरायटी लगाई थी। दो वैरायटी इसमें, जैसे वैरायटी तो एक ही होती है, विंटर डाउन इसको बोलते हैं, पर ये जो मैंने प्योद है वो अलग अलग लगाई थी। एक प्योद अलग थी, एक प्योद अलग थी। दोनों में रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, और आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है इसकी फ्रूटिंग। पहला साल था हमारा, हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको लगा के देखा था, तो इसमें कुछ जैसे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो कमियां भी रही हैं इसमें, जो हम इसकी पूरी तरह से देख रेख नहीं कर सके। पर फिर भी इसको, उस चीज़ को देखते हुए भी इसकी काफ़ी हमें इसका वो मिला है कि बेनिफिट मिला है। और मैं तो ये कहता हूँ हर किसान को एक बार ये चीज़ लगानी चाहिए इनकम बढ़ाने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये स्ट्रॉबेरी की आपने जो दो वैरायटियां लगाई हैं, ये कौन सी वैरायटी थी, और कितने इसके प्लांट्स आपने एक एकड़ के अंदर लगाए थे? इसमें जी एक एकड़ में जैसे दो वैरायटी, इसमें एक तो गिलास में आती है, तो गिलास में जो वैरायटी हमने इस साइड जो लगाई थी उसमें क्या था जी, वो 10,000 प्योद लगाई थी हमने आधे किले में, तो उसका तो रिजल्ट अलग है। एक जो हमने दूसरी जो हिमाचल वाली लगाई थी, हिमाचल से मंगवाई थी आधे एकड़ में, वो हमने लगाई थी जी 17,000 प्योद, तो टोटल पूरे एक एकड़ में लगभग 25,000 से 27,000 प्योद लगती है, और दोनों का रिजल्ट ही बेहतरीन। तो इसमें क्या लागत आई थी आपकी? इसमें देखो जी, जो गिलासी की जो प्योद थी उसमें हमें एक प्योद का कॉस्ट पड़ गया था 7 से 8 रुपए, और जो उधर वाली जो हमने हिमाचल से जो प्योद मंगवाई थी उसकी कॉस्ट जी हमें पड़ गई थी ये अपना 3 रुपए के लगभग एक प्योद, एक पेड़ का। इसकी फ्रूटिंग है, और इसको आप है ना ऐसे खाओ, खट्टा मीठा सुबह टेस्ट है इसका खाने में। जैसे आप खाओगे इसको तो इसमें टेस्ट है जो खट्टा मीठा आएगा, पर ये जैसे कीवी होती है, कीवी के जैसे ही गुणकारी है, इसलिए इसकी जो मार्केट सेल है वो ज़्यादा कीवी के जैसे हाई रहता है, जैसे 300 रुपए के लगभग रहता है किलो रेट, और मार्केट में जैसे अप डाउन होता रहता है इसका रेट। किसान राकेश मल्चिंग विधि के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि इससे उनकी फसल समय से पहले तैयार हो जाती है। मल्चिंग का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें पौधों के चारों ओर की जमीन को सुव्यवस्थित रूप से ढक दिया जाता है। मल्चिंग दो प्रकार की होती है, पहली प्राकृतिक मल्चिंग और दूसरे प्रकार से प्लास्टिक मल्चिंग के द्वारा पॉलिथीन शीट लगाकर खेती की जाती है। मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मिट्टी में नमी बनाए रखने, खरपतवारों को दबाने, मिट्टी को ठंडा रखने और सर्दियों में पाले की समस्या से पौधों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। कार्बनिक मल्च धीरे धीरे अपघटित होने के कारण मिट्टी की संरचना, जल निकासी और पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता में सुधार करने में भी मदद करती है। हरियाणा सरकार भी मल्चिंग विधि से फसल लेने से
किसान को 40,000 रुपए प्रति एकड़ से अनुदान देती है। पिचिंग हो गई, टनल हो गया, इसमें ये स्टिक हो गई, और ज्यादा इसमें क्या है जी, लेबर जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि इसमें छोटा काम है और लेबर हमें जो है स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है ज्यादा। जैसे इसमें नड़ाई हो गई, इसमें इसका मल्चिंग करवाने के लिए लेबर हो गई, तो इसमें कुल लगा के 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख के लगभग तो लेबर कॉस्ट पड़ जाती है। अगर इसका हम ओवरऑल खर्चा अगर मान के चले एक एकड़ का, तो ये लगभग 3-3.5 लाख के लगभग एक एकड़ का खर्चा पड़ता है। किसान राकेश बताते हैं कि प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद के कई फायदे हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व रहते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। ये मृदा संरचना, मृदा विन्यास और भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता और सुधारता है। ये जी हमारे पास इधर 16 एकड़ के लगभग जमीन है, और इसमें लगभग हमने जो गेहूं डाल रखे हैं 4-5 एकड़ में, उसको हम प्राकृतिक रूप से जैविक खाद के द्वारा करते हैं। तो उसमें हमें पहले लगा के देख रहे हैं, धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि क्या बेनिफिट मिलता है मार्केट में इसका। जैसे जैविक गेहूं है उसका अलग ही रेट होता है, तो ये शुरुआत की है कि हम प्राकृतिक इसको करके देखें। तो इसमें कोई रासायनिक खाद भी आप डालते हैं? इसमें देखो जी, पहले क्या है कि जैविक, किसी भी ज़मीन को जैविक बनाने के लिए उसमें 3 साल का समय लगता है, तो हमने इसमें जैविक अपना इतना डाला है ताकि इसमें जो पैदावार है वो कम ना हो। तो इसको धीरे धीरे जैसे तीसरी साल जैसे आएगी, उस टाइम इसको पूर्ण रूप से हम इसको जैविक बना देंगे, उसमें फिर रासायनिक डालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। प्रगतिशील किसान राकेश ने बताया कि उन्होंने सिंचाई के लिए सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, जिसकी लागत 95,000 रुपए आई, और इसमें 75% अनुदान हरियाणा सरकार से मिला था। किसान राकेश कहते हैं कि अगर वह इसे बाजार से लगवाते तो इसकी लागत करीब 4 लाख रुपए की आती। सोलर सिस्टम का फायदा ये है कि वह दिन में भी सिंचाई कर लेते हैं और बिजली का बिल भी नहीं आता। सिंचाई के लिए जो सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, इसकी क्या लागत आई थी और कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपने लगवाया हुआ है? ये जी हमने 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। इसमें हमारी टोटल कॉस्ट है जो हरियाणा सरकार से सब्सिडी दे के हमें 90,000 रुपये इसमें भरे थे जी। 90,000 भरने के बाद हमें ये 7.5 किलोवाट का सोलर लगवाया था। यदि आप मार्केट से लगवाते तो कितने का लगता? अगर जी इसमें हम अगर मार्केट से लगवाते हैं तो ये ही सिस्टम हमें 4 लाख के लगभग लगता है जी। इसमें टोटल कॉस्ट इसकी विद सारा सामान लगा के 4 लाख कॉस्ट आ जाती है। तो मतलब इसके ऊपर हरियाणा सरकार से 75% सब्सिडी है जी हरियाणा सरकार की तरफ से इसमें, और बहुत ही बेहतरीन है इसमें। जैसे हम धूप निकलती है चलाते हैं, पहले क्या था, हम जैसे खेत में रहते हैं तो क्या था कि पानी की दिक्कत हो जाती थी, लाइट नहीं आती थी। अब ये लगाने के बाद हमें पानी का कोई ऐसा इशू नहीं रहा, हमें जब पानी चाहिए हम तभी चला लेते हैं। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान राकेश ने इंटरक्रॉप में तरबूज लगाए हैं। प्रगतिशील किसान ने स्ट्रॉबेरी और तरबूज दोनों ही मल्चिंग विधि से लगाए हैं, जिससे पैदावार अधिक होती है। प्रगतिशील किसान राकेश ने बताया कि इस समय स्ट्रॉबेरी की फसल ले रहे हैं। सर, आपने इंटरक्रॉप में स्ट्रॉबेरी के साथ क्या फसल लगाई है? सर, हमने जैसे पहली बार जैसे स्ट्रॉबेरी लगाई है अब की बार, तो हमने इसको देखते हुए कि ताकि हमारा खर्चा ज्यादा आ गया था, हम उस खर्चे को कैसे निकाले, इसके लिए हमने इंटरक्रॉप में तरबूज लगवाया जी इसमें। और तरबूज की जैसे सारी जो कॉस्ट है वो तरबूज का हमारे जैसे बाकी तो इसमें आ गया था, जो तरबूज की कॉस्ट है वो बीज है, वो एक एकड़ में हमने 350 ग्राम बीज लगाया था तरबूज का, और 350 ग्राम जैसे बीज लगाया था। तो स्ट्रॉबेरी है जी आपकी, ये 31 मार्च तक इसका ख़त्म हो जाएगी स्ट्रॉबेरी, उसके बाद इसमें तरबूज चल जाएगा।
मार्च में जैसे इसमें लगना स्टार्ट हो जाएगा तो मार्च के लास्ट के एंड तक तरबूज पक के तैयार हो जाएगा हमारे मार्केट में जाने के लिए। तो तरबूज में आपने जो मल्चिंग से लगाया है इसमें क्या खर्चा आया है आपका? देखो जी, तरबूज हमने जो लगाया है मल्चिंग में, इसमें मल्चिंग का लगभग 30,000 के लगभग इसमें मल्चिंग का खर्चा आया है और 30,000 इसमें टनल लगा है सर्दी से बचाव के लिए, इसको ढकते हैं जो शाम के टाइम, तो लगभग और इसमें हमारा 25,000 से 30,000 रुपये इसमें बीज के लगे हैं, तो ये भी आप मान के चलो 70,000 से 80,000 रुपये खर्चा आया। पर हमारा जैसे इसमें क्रॉप जैसे हमने की है, इसमें दोनों जैसे स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, तरबूज लगा रखा है, तो इसमें क्या था, हमने स्ट्रॉबेरी में जो खर्चा आना था ना वो पहले आ चुका, तरबूज के लिए जैसे हमारा बीज बीज का ही खर्चा आया है। तो तरबूज से क्या आमदनी होने की उम्मीद है आपको? देखो जी, पहली बार तरबूज लगाया है, जैसे और लगाते हैं साथी उनका तो ये कहना है कि तरबूज लगभग अपना 200-250 क्विंटल एक एकड़ का बैठ जाता है, तो उसका हम कम से कम भी कॉस्ट 10 रुपये पर किलो भी लेके चले तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए की इनकम तरबूज से हो जाती है। तो इस तरबूज पे आपको हरियाणा सरकार से क्या अनुदान मिलेगा? हरियाणा सरकार से जी इसमें पूरा अनुदान है, इसमें जो हमारी मल्चिंग है उसके ऊपर सब्सिडी है, टनल लगाया है उसके ऊपर सब्सिडी है, जो हमने इसमें बीज लगाया है तरबूज का उस पर भी जी 15,000 रुपये पर एकड़ का हरियाणा सरकार से अनुदान मिलता है। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। किसान बताते हैं कि सरकार के सहयोग से ही आज खेती के ढंग में नए बदलाव आ रहे हैं।